नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बटाला के नजदीकी गांव मीरपुर में देवरानी ने विधवा जेठानी का किया कत्ल। देवरानी ने विधवा जेठानी के सिर में रसोई कुकर मार मार कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने चाचा, चाची और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक सुरेंद्र कौर के बेटे परमजीत सिंह, जीजा सुरजीत सिंह ने यह बताया कि उसकी चाची और उसका परिवार पहले भी उनके साथ झगड़ा करते रहे हैं। जब बीती रात को घर आया तो उसके चाचा, चाची और उनका बेटा और उनकी माँ की पिटाई कर रहे थे। उसकी चाची ने उसकी माँ सुरेंद्र कौर के सिर में रसोई कुकर मार मार कर उसकी हत्या कर दी। उसकी चाची का परिवार उनकी 7-8 मरले जमीन कब्जाना चाहते थे। पहले भी इन्होंने घर को आग लगा दी थी, जिसका केस भी चल रहा है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। मेरे मम्मी लगते हैं, इन्होंने मैं घरों बाहरों आया, अजय हमदू रौला रौला पै रहा है। चाचा जी मेरा सका जरा नाल चाची है, वो बंगाल की है, बंगाल जिन्होंने केंद्र कदेश बंगाल की है। उन्हें तो नाल चाचे के मुंडे ने जबरदस्ती अंदर वाड़ के कुकर ना काफ़ी ज़्यादा सिर मतलब कि एक साइड तो फेज दिता इन्होंने, तो डंडे वगैरह इटा वगैरह मारिया और मार के खुद मेरे अखा के सामने भजे है। कंधा नहीं, मैं तो मम्मी रेंदे कले। फादर साहब काफ़ी साल पहले तो डैथ हो गए। कोई भी ना एक रुपये का ना कोई इन्हों की हड्डी ना पैली की दुश्मनी है, ना कोई अं धमकी, ना कोई गाली, कोई गाल इन्हों कभी है कोई, मतलब कोई एक रुपये का नहीं, इन्हों का धेली का भी नहीं हाँ कोई हिसाब था। वैसे पता नहीं क्यों ये हड्डी लागे जगह हड़प्पन फिरते हैं कि यह क्यों आ गया। साढ़े अज तो 5 साल पहले इन्होंने मकान साड़ते ही, उदू भी इन्हों केस वगैरह मुकदमा वगैरह करवाया है। हूँ अं उस तो बाद किराए तो रहना पे नानके हरचवाल, दोबारा इतने आए अं इतने आन के इन्होंने फिर अं सोचा कि नहीं होने करे इदा अं चाचे होना के मका पुराने मकाना च रहा पे अपना समान रख के कि अगले महीने तक मकान तैयार करा लेंगे। इन्होंने फिर हूँ कम करता मेरे कि जगह थी इलाके वो घर की जगह ही थोड़ी जी जी घटना। देखो जी पहले इन्हें कूठे साड़ते थे, उदो अं अपने को लै गए उत मुड़के अपने नानके किराए तो रहन लग पे। ये फिर मुड़के कह लगे भी साढ़े उत्थे कोठे जोड़े पास होए आ जोड़े मोदी वाले तो अं कर आना वा। इन्होंने आख्या भी सू छो, मैं 4 तरीक इन्होंने छड़ के गया वा। कोई इन्हें दुश्मनी नहीं, कोई इन्हों का पैली बना नहीं, सिर्फ वो कोठे चाड़ते रजस करके उदो ही इन्हों फड़ाया ही, वो रजस करके इन्हें मुड़के फिर कर इन्हू मारता बेचारी ने। पूरा जरा इंसाफ मिलना चाहिए वा, ये बजे सुटनी ना। मामले की जानकारी देते हुए SI अमरजीत सिंह ने बताया कि मृतका सुरेंद्र कौर बेटे परमजीत सिंह के बयानों के आधार पर उसकी चाची सरबजीत कौर, चाचा प्रीतम सिंह और उसके बेटे संदीप सिंह के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। मृतक है सुरेंद्र कौर, परमजीत सिंह के लड़के के बयान मुकदमा दर्ज करके 302 का जिड़ी अज लाश पोस्टमार्टम करवा के हवाले वारसा कर दी है, तो जेडे दोषियों गिरफ्तार करने वास्ते रेड किए जा रहे हैं।